हेलो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जेईई मेंस 2022 का एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। दो इक्वेशंस दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ax² - 2bx + 15 = 0 एंड अनदर इक्वेशन इज x² - 2bx + 21 = 0। पहला इक्वेशन का रूट्स अल्फा और अल्फा है, यानी अल्फा रिपीटेड रूट है, और दूसरे इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले एक बात को समझिए कि इसमें कंडीशन ऑफ कॉमन रूट का जो कॉन्सेप्ट है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है ना, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, है ना। कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि अल्फा एक रूट है, अल्फा भी एक रूट है। तो कॉमन रूट के सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर इसके दोनों रूट अल्फा अल्फा होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 0, क्योंकि जब रिपीटेड रूट होता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0। तो यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट का इक्वेशन मिलेगा b², यानी 4 × b² - 15a = 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा b² = 15a। एक पहला इक्वेशन बनेगा b² = 15a। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कॉमन रूट का जो टेक्निक होता है उससे सॉल्व करना है। तो कॉमन रूट का या तो डायरेक्ट कंडीशन आप लगा सकते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, जो लीडिंग टर्म होता है x² उसको कैंसिल आउट करते हैं किसी तरह से, है ना। जैसे इसके एक रूट यहाँ पर मैं x² है -2bx + 21 = 0। ये दो इक्वेशन है ना, इसमें से अगर अल्फा कॉमन रूट होगा तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करना है, ये इक्वेशन को, सेकंड वाले इक्वेशन को अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है x² वाला, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर दो इस तरह से, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये और ये टर्म कैंसिल। तो बचा क्या, यहाँ से जो बचेगा x × यानी x का वैल्यू क्या है, अल्फा है। तो अल्फा पुट कर दो, चाहे तो इसी में अल्फा पुट करके कर सकते थे या बाद में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2ab - 2b + 15 - 21 a, क्योंकि -21a = a, है ना। यहाँ से आ जाएगा अल्फा जो कॉमन रूट है इनटू, यहाँ पर मैं b को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर बन जाएगा 2b कॉमन आ जाएगा, यानी 2 अल्फा इंटू बी, यहाँ पर मैं आ जाएगा a-1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा a-1 = 21a - 15, है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से आप एक और कंडीशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ सम ऑफ रूट निकाले बच्चों, सम ऑफ रूट निकालेंगे इस इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा सम ऑफ रूट पहला वाला इक्वेशन में कितना होगा, 2 अल्फा = सम ऑफ रूट = -b/a, 2 अल्फा = -b/a, यानी 2b/a, 2b/a। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू रख सकते हैं b/a। तो ये इक्वेशन में अगर हम लोग रख दें α = b/a, यानी यहाँ पर मैं आ जाएगा 2 × b² / a × a-1 = 21a - 15, है ना, 21a - 15। अब यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हैं 15a, यहाँ से लिख देते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में, ये बन जाएगा 2 ×
नेक्स्ट स्लाइड में 2 इंटू 3a डिवाइड बाई ए इंटू ए माइनस वन प्लस इक्वल टू 21a माइनस 15 यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आपको बी स्क्वायर कवर 15 है, यहाँ से ये ए और ए कैंसिल, यहाँ पर हमें कितना बच गया 30a, 30a माइनस 30 इक्वल टू 21a माइनस 15। इधर मैं आ गया 9a इक्वल टू, यहाँ पर 9a इक्वल टू कितना आ गया 15, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया 5 डिवाइड बाई 3, a इक्वल टू 5 बाई 3। जब a का वैल्यू 5 बाई 3 आ गया बच्चों, तो यहाँ से आपको b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से सेकंड वाला इक्वेशन से आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2b, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2b है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 21। तो यहाँ रख देना है, यहाँ रख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा यानी 2 इंटू 21 यानी 42, 42। यहाँ से 4 इंटू b स्क्वायर यानी 4 इंटू 75 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर में कितना हो गया 4 इंटू 75 यानी 4 इंटू 75, 300 डिवाइड बाई 3 यानी 100 माइनस 42, और इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों 58 विल बी द करेक्ट आंसर।